एक्चुअली क्या है ना, आजकल जमाने में लोगों के लेफ्ट ब्रेन राइट ब्रेन दोनों बहुत एक्टिव है। लेफ्ट ब्रेन इसलिए एक्टिव ज़्यादा है क्योंकि इवेल्युएशन ज़्यादा है, एनालिसिस ज़्यादा होता है कि ये प्रॉफिट है लॉस है, मुझे यहाँ टाइम स्पेंड करना चाहिए नहीं करना चाहिए, रिलेशनशिप में मनी में जॉब में बहुत सी चीज़ें, इवन एक्सरसाइज में भी लोगों को लगता है मैं क्या एक्सरसाइज करूँ, हर चीज़ में। लेकिन जब आपको लगता है कि आपने कुछ उससे गेन कर लिया है, जब आपका कुछ अपलिफ्टमेंट हो गया है, तो डेफिनेटली आपको उस चीज़ से डिसकनेक्शन लगता है करके, तो वो हमेशा यूज़फुल रहता है कि आप मूव ऑन करते हो और आपकी लाइफ में बहुत चेंजेस आते हैं, और जो आप उसको एक्नॉलेज करते हो, एक्सपीरियंस करते हो, जो उसको एक्सप्लोर करते हो, और उसके बाद आपको लगता है कि और कुछ नया करना चाहिए, तब तक आपके ब्रेन्स चलते रहेंगे, थॉट्स चलते रहेंगे, लेफ्ट से राइट ब्रेन के फ्लक्चुएशंस चलते रहेंगे। तो ये बहुत वाकिफ़ है, पहले के जैसे लोग फोकस नहीं है, पहले लोग एक ही जॉब में, एक ही बिजनेस में, एक ही रिलेशनशिप में या एक ही फैमिली में पूरे रेस्ट्रिक्टेडली बस ध्यान देते थे, और कुछ उनका यहाँ वहाँ कुछ ध्यान देने का कोई गुंजाइश नहीं होता है। और काफ़ी सोशल मीडिया भी है जो टाइम टाइम पे आपको कुछ अलग अलग गाइडेंस देती है, अलग अलग वीडियो से आपको कुछ अलग अलग आइडियाज़, नई नई आइडियाज़ आते हैं, तो आप उसमें दिमाग लगाते हो। पहले ये सोशल मीडिया नहीं था तो आप दिमाग भी नहीं लगाते थे, तो अच्छा है कि बड़े बड़े गुरु हैं, ये लोग भी कुछ अलग अलग तरीके से आपको कुछ थेरेपी सिखाते हैं या आपको माइंड टेक्निक सिखाते हैं, पॉजिटिव कैसे रहना, मेडिटेशन कैसे करना, तो इसलिए वो इवन आपका मिड ब्रेन भी एक्टिवेट होता है, सुपर कॉन्शियस माइंड भी एक्टिवेट होता है। तो आज के टाइम में ये तीनों ब्रेन एक्टिवेटेड है और 24/7 ये रहता ही है। इवन आप रात को भी सोएंगे तो आप देखेंगे बहुत सारे ड्रीम्स अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, इसका मतलब आपका थॉट प्रोसेस अभी भी चालू ही है करके। तो मेडिटेशन करना, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करना, प्राणायाम करना, हीलिंग करना, उससे आपका ये माइंड ट्रैंक्विलाइज हो सकता है, सेंट्रिक हो सकता है, और आप बहुत फोकस्ड हो सकते हो, और अनवांटेड जो थॉट्स है या क्लटर्स है उसको आप कैसे भी करके निकाल सकते हो करके।